जो कि ये भी ओपन ही है, रखा हुआ था गाड़ी के ऊपर बहुत दिन से। कंडीशन कुछ इस प्रकार से अपने एरिया देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा कट हो चुका है, कट लगा है। यार ये रहा गोल्डन वाला, इसे भी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कुछ इस प्रकार से। सो हाय फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मोटे का YT में आपका स्वागत है दोस्तों। यार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा था मुझे, और यार इसकी वीडियो चलो पोस्ट करते हैं आज, और यार आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। और जो भी है यार कुछ अगर उसमें कम ज़्यादा लगा हो तो यार कमेंट वगैरह करके जरूर बता देना दोस्तों। यार कॉन्टिनेंटल GT का कॉपी बनाया मैंने, डिस्कवर की DC। तो हाय फ्रेंड, यार वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मोटेकर YT में स्वागत है दोस्तों। अभी हम हैं अपने गैरेज पे, जो कि यार कुछ ऐसा हाल हो चुका है, अभी है रात्रि का टाइम। यार अब यार बहुत दिन के बाद हमारे मौसम अच्छा है और मौसम खुला हुआ भी है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है अपने इधर पे, इस वजह से यार काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग वाला काम पूरा पेंडिंग हो चुका था, इसलिए अभी हम जाके स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि शाम टाइम में आप लोगों को मालूम है कि मैं शाम को ही पेंट करता हूँ, ताकि यार धूल वगैरह या डस्ट वगैरह ना उड़े और हमारे पेंट को ख़राब ना करे। तो दोस्तों ये रही हमारे पास में डिस्कवर 150 CC, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा ओल्ड बाइक है। ऐसे यार रीपेंट के साथ में मॉडिफिकेशन वगैरह करनी है, ये देख सकते हो मेरे पीछे में कड़ी, जो कि यार रेड ब्लैक थी, इसका स्टिकर वगैरह हमने रिमूव कर दी, काफ़ी ज़्यादा गंदा था। उसके साथ में यार ये इधर पे देख सकते हो इसका स्टिकर बचा हुआ है, जो कि आप अंदाज लगा सकते हो कि गाड़ी किस कलर की रही होगी। तो इधर से हमने रिमूव कर दिया, इधर पीछे भी रिमूव कर दिया, मैंने इन सबको ओपन करके रखा है दोस्तों, ये आप लोगों को दिखाने के लिए मात्र इसे फिट करके रखा है। उसके साथ में इधर से पूरा डैमेज वगैरह है, काफ़ी ज़्यादा टूट फूट है इस गाड़ी में, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये सब टोटली यार असेंबल करना पड़ेगा। कुछ देखते हैं सोचते हैं नया डिज़ाइन वगैरह कौन सा लुक ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके साथ में इसके हैंडल बार से लेकर लाइटिंग तक के इसमें चेंज करनी है, और ये यार डिस्क प्लेट वगैरह ये सब हमने खोल के रख लिया, काफ़ी ज़्यादा बेंड है, ये भी प्लेट एकदम फ्लैट में नहीं है देख सकते हो। और उसके साथ में यार इसमें बहुत सारे काम है, इंजन का भी टोटल काम है, इंजन मैंने उतार लिया, मैंने इसका इंजन वगैरह उतार लिया, टोटल इंजन वगैरह का भी काम करेंगे साथ में। पीछे से देख सकते हो कंडीशन कुछ इस प्रकार की है। तो फ्रेंड यार काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मॉडल है, समथिंग यार ये गाड़ी 8-9 लगभग की होगी। अब देखते हैं, पूछ के देखेंगे यार गाड़ी मालक से कब की मॉडल है, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इधर के पैनल वगैरह पूरे टोटली रिपेंट वगैरह करना है, कुछ कुछ सामान अच्छे हैं तो उसको रख देना है। तो दोस्त यार वीडियो में बने रहना, वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी, और पहली बार अगर विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना। तो दोस्तों जल्दी से इसका काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार मौसम काफ़ी प्यारा है, तो जल्दी से काम स्टार्ट करने की बनती है, तो दोस्तों बने रहना हमारे साथ में। ये देख सकते हो यार वायरिंग वगैरह भी पूरी ख़राब हो चुकी है, उसके साथ में इधर मरगाड़ वगैरह सब हमने ओपन कर लिया है, और इसका इंजन में भी यार मैंने बता दिया था आप लोगों को कि पूरा मैंने इंजन को अपने को असेंबल करना है टोटली खोल के, और यार बहुत सारे काम वगैरह हैं, कुछ इस प्रकार की दिखती है दोस्तों देख सकते हो। क्योंकि फ्रंट कैमरे से अच्छे से नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने बैक कैमरा से आप लोगों को दिखा देता हूँ कि गाड़ी कुछ इस प्रकार के, स्टिकर वगैरह रिमूव कर दिए, इनके भी धुलाई वगैरह करने की बच गई है। हम इसका सीट कवर ओपन कर लेते हैं, जो कि इस प्रकार से है। अब ये रहा इसका टेल पैनल, यार शूटिंग के लिए मैंने ऐसे लगा दिया था ताकि आप लोग भी देख सको, पहले रिमूव कर लिया था, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 चारों बोल्ट ओपन करना पड़ता है, उसके बाद में ही ओपन होता है। यहाँ पे जो क्लिप वगैरह रहती है उसको भी खोलना पड़ता है। ये रहा इसका साइड पैनल, जो कि नॉर्मल जो गाड़ी में जैसी खुलती है बस ऐसे को वैसे ही खुलना है। 2007 मॉडल, 150 CC है दोस्तों। इसे थोड़ा सा अलग लुक और कुछ नए फीचर्स के साथ में लॉन्च करना है कुछ दिनों के बाद में। ये रहा इसका एयर पेट्रोल टैंक, जो कि ये भी ओपन ही है, रखा हुआ था गाड़ी के ऊपर बहुत दिनों से, देख सकते हो कंडीशन कुछ इस प्रकार से है।
हमारी डिस्कवर 150 सीसी जो कि पीछे पड़ी है कवर, और ये रहा उसका इंजन दोस्तों, जो कि यार असेंबल करने बैठा हूँ मैं अभी जस्ट। तो ये इसका पल्ला वगैरह, ये इंजन वगैरह, ये क्रेन शाफ्ट वगैरह, बाकी सामान वगैरह ये इसके अंदर पे है। और बाकी अगर फैले हुए तो उनको वो सब हो गए, क्लियर वगैरह, पेंट वगैरह कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। वीडियो को लाइक वगैरह कर देना जल्दी से, इंजन वगैरह इंस्टॉल कर देते हैं, जो कि रहा ये आपके सामने देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। काफ़ी ज़्यादा टूट फूट मची थी दोस्तों, और उसके साथ में यार इसका जो ब्लॉक होता है वो भी फूट चुका था। चलो ब्लॉक दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। तो फ्रेंड यार ये है इसका ब्लॉक, जो कि यहाँ पे डैमेज है, ये देख सकते हो जहाँ पे टाइमिंग चेन वगैरह चलती है, यहाँ से टाइमिंग चेन ने इसको पूरा कट कर, यानी टाइमिंग चेन ने पूरा खा गया समझ लो। ये देख सकते हो गाइड भी यार इसी वाली टूटी हुई थी, जो कि टाइमिंग एडजस्ट करते उसके अपोजिट वाली। और ये देख सकते हो इसके अंदर छेद शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं बैक कैमरे से दिखा देता हूँ, बाकी वीडियो में बने रहना। तो फ्रेंड यार देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा कट हो चुका है, कट लगा है, और ये छेद है दोस्तों जो डार्क डार्क काला काला दिख रहा है, यहाँ से आर के पास छेद हो चुका है, जो कि यार इसके इधर से आयल जाने लगा था, उसी के कारण यार इसके क्रैंक वगैरह सब खराब हो गए थे, तो इसे भी हमने नया रिप्लेस किया, यानी रिपेयर किया है। अच्छा लगे हमारी डिस्कवर आज जिसपे यार स्टिकर लगाने का काम चालू करना है। यहाँ पे आज जीटी कॉन्टिनेंटल आप लोगों ने देखे होंगे, जो कि अपकमिंग स्टिकर है, मैं उसी के बेस पे बनाने वाला हूँ। चलो वो गाड़ी आने से पहले मार्केट में पहले हम इसे लॉन्च कर देंगे दोस्तों। और ये रहा जो कि यहाँ पे जीटी कॉन्टिनेंटल में आप लोगों ने कुछ गाड़ियों में देखे होंगे या इमेज वगैरह में, सेम उसी प्रकार से रहेगा। और ये रहा एक, ये है एक व्हाइट कलर का है जो कि काफ़ी ज़्यादा चमकने वाला है, तो ये भी अच्छा लगेगा हमें। तो दूसरा दो हो गया, अब लगने के बाद में कैसा लगता है वीडियो वगैरह देखना, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना और चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर देना दोस्तों। तो जल्दी से यहाँ लगा लेते हैं और अपना लोगो भी डाल देंगे ऊपर पे, हम डीसी डाल देंगे डिस्कवर, और देखते हैं 125 के लिए जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ डाल देंगे। सॉरी दोस्तों 120 नहीं 150 है, तो कुछ इस प्रकार की इस कंडीशन में है, पेंट वगैरह हो चुका है, पहले इसमें स्टिकर डालेंगे उसके बाद कोटिंग करेंगे। तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और इसका मैं स्टिकर वगैरह बैठा लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेंड यार ये रहा वाइट में, जो कि काफ़ी ज़्यादा चमकीला है, और दिखने में कैसा लगेगा आप लोग यार जरूर बता देना, सजेस्ट वगैरह थोड़ा सा मिल जाता आप लोगों से कि यार भाई अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लगा लेंगे। यहाँ से बैठ चुका है, अब नीचे से प्लेन सरफेस लेके बैठा लेंगे इसे, सवाल लगाइए इसे कुछ इस प्रकार से बैठेगा, इससे इसको लगा के करीब से बैठा लेना है। इसमें भी हल्का हल्का पानी का उपयोग करेंगे ताकि यार ये बबल्स वगैरह आए तो उसे हम निकाल के रिपेयर कर सके। यार ये दोनों स्टिकर लग चुके हैं, अब एक राइट यार ये रहा गोल्डन वाला, इसे भी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तीन स्टिकर फाइनली लग चुके हैं यहाँ पे, अब बस लोगो लगाने का बचा हुआ है, जो कि यार उससे मिलता रहे अपने बजाज गाड़ी से, उसी का लोगो अगर लगाएंगे। और इधर से पूरा ब्लैंक था, इधर थोड़ा काम चल रहा था एक गाड़ी का, इसलिए इधर पे नहीं लगाया हूँ। और यहाँ पे अटैच करेंगे सेम की कॉपी और यहाँ कर देंगे पेस्ट, तो जल्दी से इसे भी लगा लेते हैं। तो फ्रेंड यार फाइनली अपनी गाड़ी में स्टिकर लग चुके हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों, कैसा लगा कमेंट वगैरह जरूर करके बताना। और यार इसकी कटिंग और छटिंग दोनों कर लेते हैं, यहाँ पे लगाएंगे एक बजाज का स्टिकर जो कि उसका लोगो रहेगा यहाँ पे, और उसके साथ में देखते हैं कुछ और नया दिमाग में चलता है क्या चलता है, तो और इसे कटिंग करते हैं, दोनों को मिक्स कर देंगे कुछ यहाँ पे, देखते हैं यार लाइनिंग वाली बना देंगे कुछ, तो यहाँ पे रहेगा अपना एक यूट्यूब का लोगो
हैं।